तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएस एनिमल प्लैनेट और मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में देखो दोस्तों, हमें एक ये कबूतर मिला था। ये कबूतर दोस्तों देखो कितनी बुरी तरीके से मंजे से कटा हुआ है। ये दोस्तों जो पतंग की डोर होती है, ये पतंग की डोर से देखो कितना घायल हुआ हुआ है ऊपर वाले। तो दोस्तों ये देखा आपने, कबूतर बिल्कुल घायल हुआ हुआ है ये। अब हम इसका इलाज कर रहे हैं और हमने इसका इलाज करने के लिए दोस्तों ये हल्दी ली है। अब हमने हल्दी का इसका पेस्ट बनाया है। और ये देखो दोस्तों, पतंग का जो डोर होता है, प्लास्टिक का जो मांजा होता है, ये दोस्तों ये देखो, इसके जो ये यहाँ पे मांजा घुस गया था और इसकी सारी बाजू मांजे से कट गई पतंग के। तो दोस्तों आप भी थोड़ा देख के उड़ाना पतंग वगैरह, कबूतरों को बड़ी परेशानी रहती है पक्षियों को। और ये मांजा टूटता नहीं है और ये देखो कितना घायल हो रखा है दोस्तों। तो दोस्तों भाइयों बता देना मेरे को कमेंट में कितने दिन में ठीक हो जाएगा कबूतर ये। और दोस्तों मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, सिर्फ एक तरफ की इसकी बाजू जो है कटी हुई है। दिखा दो एक बार कैसा हाल हो रखा है इसका। ये देखो दोस्तों इसका क्या हाल हुआ हुआ है, कबूतर का कितना बुरा हाल हो रखा है इसका। अगर आपको भी कोई ऐसा पक्षी मिल जाए, कबूतर वगैरह, चिड़िया कोई भी मिल जाए जो मांजे में उलझा हुआ हो या जिसे चोट वगैरह, पहले इसके दवाई वगैरह लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमने इसका कैसे इलाज करा। पहले मैं इसको दवाई वगैरह लगा लेता हूँ। तो भाइयों अब हम इसका मांजा निकाल रहे हैं, देखो सुई से जो इसके मांजा अंदर धसा हुआ है ये। पहले दोस्तों हम इसका ये मांजा निकाल लेंगे। ये दोस्तों सुई से निकाल रहे हैं हम इसका मांजा, निकाल लो भाई जरा इसे। ये दोस्तों मांजा इसका आराम आराम से निकालना पड़ेगा, ये बहुत दोस्तों तरीके से करना पड़ता है ये काम दोस्तों। इसको इससे बड़ी परेशानी हो रही है, इसको बहुत तकलीफ हो रही है कबूतर को। बंद कर ले वीडियो। मांजा अटका हुआ था दोस्तों, दिखा जरा इधर को। ये दोस्तों मांजा देखो, इसकी बाजू के अंदर बिल्कुल फंसा हुआ था, खून में देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल भंडा हुआ है मांजा, खून में बन चुका है ये दोस्तों। इसको हमने साइड रख दिया इधर। और ये देखो दोस्तों इसकी बाजू की हालत ये देखो मांजा था दोस्तों। ये दोस्तों अब इसकी बाजू की हालत है, देखो घाव इसके कितना हो रहा है। ये देखो दोस्तों इसके कितना घाव हो रहा है, बहुत ही दोस्तों जख्मी हालत में है कबूतर। अब इसके ये भाइयों देखो, हमने इसके टांके लगा दिए हैं बिल्कुल। अब हम इसके टांका काट रहे हैं और इसके बिल्कुल देखो बाजू दिखा, इसकी देखो बिल्कुल भाइयों हमने बाजू जो है बिल्कुल सही कर दी है। यहाँ से दिखा दे, बाजू बिल्कुल एक सार कर दिए दोस्तों हमने और बिल्कुल बाजू भर दिया हमने इसके। टांका आपको देखो दिखा दिया है कि टांका लगा दिया है हमने। वीडियो रोकी थी दोस्तों टांका लगाने के लिए और ये टांके बिल्कुल हमने इसके भर दिए। अब इसमें हल्दी भरेंगे बस। चलो भाई कटिंग होंगी तक जी भाई, हड्डी बस तक इधर से हट जा तेरा चालना। ये दोस्तों देखो हमने इसके हल्दी लगा दी है और पूरा हल्दी भर दिया है हमने इसकी। अब इसका दोस्तों पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, भगवान ने चाहे इसकी जो बज्जू ठीक हो जाएगी 4-5 दिन में और ये चेतन हो जाएगा। और ये हमने इसकी हल्दी भर दी है और इसको जहाँ तक हमारे से हुआ, जो हमारे पे हुआ, हमने इसको हल्दी भर दी है दोस्तों पूरी बढ़िया करके। अब इसको हम मेडिसिन वगैरह देंगे जो देनी होगी, अब ये सही हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं दोस्तों, इसको छोड़ेंगे अब। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भाइयों के पास भी वीडियो पहुँच जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।